वाइटल्स ऑफ फेथ में जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है एहसान। तो एहसान का इम्पोर्टेंस हम इस आयत से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला सूरह नहल में ये आयत नाजिल करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें अदल का और एहसान का हुक्म देता है। लेकिन आप इससे पहले भी देखें तो इंसान की तख्लीक के ताल्लुक से जब सूरह 3 में ये आयत आती है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को एक बेहतरीन साख में पैदा किया, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एहसान और इंसान का जो है कितना गहरा ताल्लुक अल्लाह ताला ने बना रखा है। उसके बाद इंसान की तख्लीक हुई, फिर तख्लीक के बाद अब उसको करना क्या है, सूरह मुल्क में बता दिया गया خلق الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا, हमने इंसान जिन्हों इंसान الذي यानी इसलिए पैदा किया ताकि हम देखें कि वो कौन बेहतर अमल करके आता है, ليبلوكم ايكم احسن عملا, तखलीक पे एहसान, फिर बाद में जिंदगी गुजार जिंदगी के मकसद में जो है यहां पर बता दिया गया कि एहसान होता है कि एहसान का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे पास। अरे माफ़ी चाहता हूँ। जब हम कुरान और सीरत का मुताला करते हैं या फिर उससे पहले अगर हम लुगत देखें तो एहसान असल में हुस्न से निकला है, हा सीन नून, जिसके माने अच्छाई और बेहतरी के आते हैं और हुस्न यानी खूबसूरती के भी आते हैं, और एहसान यानि किसी चीज़ को अच्छे से अच्छा करने के आते हैं, अगर इंग्लिश में हम कहें तो परफेक्शन भी हो सकता है। पांच चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर एहसान को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। सबसे पहले ज़ाहिरी हुस्न, आपका जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये बात आती है कि हम ना सिर्फ अपने अंदरून बल्कि अपने अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस का भी इस तरह ख्याल रखें कि हम उसमें भी जो है बहुत अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश करें, लेकिन उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा गुलू भी करना ठीक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी अपने रफ़ीक से मिलने जा रहे हो तो तुमको चाहिए कि तुम अपने बाल को ठीक कर लो, अपने बाल को संवार लो और अपने लिबास को ठीक कर लो। इसमें जो है ज़ाहिरी हुस्न का इम्पॉर्टेंस हमको मिलती है। फिर उसके बाद पाकी और गुस्ल वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं कि फिज़िकल बॉडी के हुस्न के ताल्लुक से। दूसरा है हुस्न कल्ब और अखलाक। तो अखलाक के ताल्लुक से बेहतर अखलाक के जो हदीस हमको मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मीज़ान में सबसे वज़नदार चीज़ अगर कोई है तो वो अच्छे अखलाक है। तो अखलाक के अंदर बेहतरी और अपने अखलाक में जो है अच्छे से अच्छा हम पेश आने की कोशिश करें। फिर तीसरा है इबादात में हुस्न। वलीउल्लाह साहब के सेशन में जो बातें आई थी एहसान के ताल्लुक से भी उन्होंने बहुत सी बातें कही। ख़ुद हदीस जिब्रील में हमें वो बात मिलती है जहाँ पर जिब्रील इस्लाम इंसानी शक्ल में आकर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल एहसान क्या है, तो आप कहते हैं कि तुम इबादत इस तरह करो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, ऐसा अगर इस मुकाम को ना पहुंच सको तो कम से कम अल्लाह तो तुमको देख रहा है। तो ये इबादत में भी हमारा हुस्न जो है एहसान के साथ हमको इबादत करने की ताकीद दी गई। फिर उसके बाद मामलात में हुस्न, एक दूसरे से डील करने में भी हुस्न। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, एहसान करो जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। तो एक दूसरे से डील करने में, एक दूसरे के मदद करने में, एक दूसरे के साथ काम करने में भी हमको एहसान का रवैया इख्तियार करना चाहिए। फिर उसके बाद में दावत में एहसान। असल दावत का जो तारुफ ही हमको कुरान इस तरह कराता है कि ममन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह,
उस शख्स की बात से बेहतर बात और किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। उसके बाद में आगे की आयत में फरमाया गया कि इदफा बिल्लती ही अहसन, तुम बुराई को अच्छाई से जो है दिफा करो। अगर सामने वाले ग्रोह की तरफ से अगर नुकसान का भी तुमको अंदेशा हो, तब भी तुमको चाहिए कि तुम अच्छे अंदाज में जो है उससे पेश आओ और उस बुराई को अच्छाई से जो है दिफा करो। फिर इसके बाद जब हम पूरी ज़िंदगी इस तरह से गुजारते हैं तो इसका एक क्लाइमैक्स के तौर पर हमको सूरह रहमान में एक आयत मिलती है कि हल जज़ा उल एहसान इल्ला अल एहसान, यानी एहसान का बदला एहसान, मतलब एहसान का बदला एहसान नहीं तो और क्या है। मतलब अगर कोई शख्स एहसान के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला भी उसको जन्नत के जो है बागों के तौर पर, एक एहसान के तौर पर जो है उसको वहाँ पर दाखिल करता है। फिर उसके बाद अब ये तमाम चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी हमको कुरान गाइडेंस करता है कि फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी आप पढ़ लें तो एहसान की बहुत शाहकार मिसालें उसके अंदर मिलती हैं। वो बूढ़ी औरत का वाक़या जो कचरा डाला करती थी, और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पर जो है ये मिसाल हमको मिलती है। कुरान के अंदर एक जगह पर मुहसिनीन का तज़किरा करते हुए कुरान इस तरह कहता है कि वल काज़िबीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये वो लोग हैं जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और आफ़ीन अन्नास लोगों को माफ़ कर देते हैं, बेशक ऐसा एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो एहसान का हुक्म ही नहीं दिया गया बल्कि अल्लाह ने यह कहा कि तुम एहसान करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फिर कुरान के पढ़ने में और उसकी तिलावत में भी हुस्न, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैस मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, वो शख्स हम में से नहीं जो कुरान को खुश इल्हानी और अच्छी आवाज़ में ना पढ़े। तो आप ये कुछ मिसालें हैं। फिर आगे और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल से अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से पेश आए, और मैं सबसे बेहतर शख्स हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपने ख़ानदान से बहुत अच्छा हूँ। तो ये तमाम मिसालों का बोलने का मकसद ये है कि हमारे छोटे से छोटे काम जो हो या बड़े से बड़े काम हो, हम उसको अच्छे से अच्छा अंदाज में उसको जो है करने की कोशिश करें। यूनिट्स के तंजीम के कामों में जो भी, अरे इतना तो चलता है, मतलब इसको मतलब ऐसे बिल्कुल कैजुअल नहीं बल्कि अच्छे से अच्छा उसको हर काम को हम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुहसिनीन में शामिल फरमाए। आमीन।